ना लाजू जी, ना रो लाजू जी, ना रो। आप रोगे तो रोहन सवाल करेगा और उसके सवालों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। क्या करूं और क्या करूं, रोहन को देखकर राहुल की याद आती है। तुम्हें नहीं लगता हमें सब कुछ बता देना चाहिए? कैसे बता दे लाजू जी, यश ने मना कितना है। रोहन तो कार में था भी नहीं जब राहुल कार छोड़ कर गया है, वो कुछ नहीं जानता। मेरे ख्याल से तो सब कुछ बता देना चाहिए। अब कहाँ से शुरू करें और क्या क्या बताएं? वो तो ये भी नहीं जानता कि राहुल यश और नंदिनी का अपना बेटा नहीं है, उसे गोद लिया था उन्होंने। राहुल 2 दिन का था जब यश और नंदिनी उसे घर लेकर आए। उसके नन्हे कदमों ने हम सबके दिल में जगह बना दी। ला ला ला, वो नंदिनी की जिंदगी बन गया और यश का सपना पूरा हो गया। 9 साल के बाद जब तुम पैदा हुए तो ऐसा लगा हमारा परिवार पूरा हो गया है। मुझे आज भी याद है पंडित जी ने कहा था कि तुम भाग्य की रेखाओं से लड़के जन्मे हो, तुम हमारी शक्ति बनोगे। क्या राहुल भैया जानते थे कि वो राहुल 8 साल का था जब उससे पता चला। जिक्र घर में कभी नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। राहुल हमारा बेटा है, इस घर का बड़ा बेटा, और इस सच को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। लेकिन इस बात का जिक्र हुआ, अचानक हुआ, और वो राहुल की हम सब के साथ आखिरी दिवाली थी। आखिरी दिवाली।